हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान देंद्र ट्यूब में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करने वाले अपनी वेबसाइट का। हम सी पर जब लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद क्रोमो ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स में लॉग इन नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये लॉग आउट लॉग इन सक्सेसफुल लिख देता है लेकिन फिर जा करके लॉग आउट हो जाता है। तो इसी का आज सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। इसके लिए आपको हम दो वेबसाइट दो सॉफ्टवेयर बताएंगे जो तो कि बिल्कुल फ्री होती है और आप इसका यूज करके अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। तो चलिए दोनों को हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है वह है आपको टोर ब्राउजर सेटअप सॉफ्टवेयर। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल में टाइप करना है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर जैसे ही आप टाइप करिए इंटर करिएगा तो यहाँ पे देखिए टोर ब्राउजर का आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट tourproject.org। सिंपली इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट दिखेगा डाउनलोड फॉर डाउनलोड टोर ब्राउजर, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने अब आपका यहाँ पे वर्जन मांगा जाएगा कि आपको कौन सा वर्जन और कौन सा लैंग्वेज में चाहिए। तो मान के चलिए हमें इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों के लिए चाहिए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों में चले। तो आपको यहाँ पे देखिए बिट दिया होगा 3264 बिट, ठीक है, आपको पहला वाला 32 है, दूसरा वाला इधर 64 बिट है। तो आप दोनों में से जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो आप विंडोज के लिए ले सकते हैं। अगर आपका एप्पल है तो एप्पल के लिए यहाँ पे देखिए 64 बिट है, और जिनिक्स लिनक्स है तो आपको देखिए यहाँ पे दोनों को दिया है। तो हम जैसे ही हमको बनाने के लिए विंडोज है तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और देखिएगा डाउनलोड होना लगेगा 53 MB के करीब है अपने का। तो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोनों में हम आपको लाइव करके भी देखेंगे। ओपन कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले जान लीजिए इंस्टॉल करेंगे डबल टैप करिएगा और ठीक है डबल टैप करिएगा, रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक आपके सामने डाउनलोड करिएगा तो इस तरह का आपके सामने होलोग्राम लोगो इसका करके आएगा इस सब सेटअप का। उसके बाद डबल टैप इंस्टॉल पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा एक फीचर्स खुलेगा जिसमें आपको कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दो ऑप्शन मिलेगा। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को टिक करना है, कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दीजिएगा, न्यू टैब में जाएगा, न्यू टैब में जाएगा उसके बाद आपका उधर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डबल टैप करके अपना सेटअप को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट फॉर नेटवर्क सेटिंग, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब लॉग इन करते हैं तो आपको बोलता है आईपी योर आईपी है चेंजेड और सीपा लॉग आउट हो जाता है। तो उस टाइम में क्या काम करेगा कि आपके जो आईपी है एक कंटिन्यू आईपी है नया बना करके देगा, आपका जो आईपी होगा उस आईपी को चेंज करके यहाँ से एक नया आईपी जिसे आप वीपीएन भी बोल सकते हैं बना करके इस सर्वर टूर के माध्यम से मिलेगा और यहाँ पे लिखेगा कंग्रेचुलेशन आपका आईपी चेंज हो गया है और आपका उधर से जो आईपी मिलेगा सर्वर से वो देगा, आपको दिखाएंगे भी खोल के, ठीक है। तो उसके बाद आप न्यू टैब में जा करके अपना सीपा लॉग इन करके काम कर सकते हैं, वहां से आपको लॉग आउट ना होगा। लेकिन ध्यान आपको एक बात का देना है वहाँ पे, अगर आप यूज करते वक्त, ठीक है, मान के चलिए हम साइट बना रहे हैं, अब बीच में कोई अर्जेंट काम आ गया तो हम इसी तरह अपने सिस्टम को उसी सॉफ्टवेयर पे छोड़ के चले गए उस काम में, तो पुनः उधर से जब वापस आएंगे 10 से 15 मिनट के बाद तो ये क्या करेगा, कुछ कुकीज फ्री होती है तो ये ऑटोमेटिकली उसे आपको उधर से लॉग आउट कर देगा। फिर से आपको लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है, आप जब तक इस पर काम करेगा तब तक वो लॉग इन रहेगा, लॉग काम करना छोड़िएगा ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर देगा, ठीक है, ऐसे आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो चलिए अब दूसरी है जो है वो है आपको ओपेरा ब्राउजर विथ फ्री वीपीएन। गूगल खोलिए और टाइप करिए ओपेरा ब्राउजर विथ फ्री वीपीएन, ठीक है। जैसे आप ओके करिएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, फ्री वीपीएन ब्राउजर विथ बिल्ट इन वीपीएन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका यूआरएल है www.opera.com कंप्यूटर फ्यूचर्स फ्री वीपीएन, तो opera.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर में जो भी आपका होगा, ठीक है, जो भी आपका मतलब कि सिस्टम होगा यानी कि चलिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, आपका लिनक्स हो गया, एप्पल का जो भी है, तो उसके सामने ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से होलोग्राम बन जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करिएगा तो आपका देखिए डाउनलोड थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा और यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे मात्र 2 MB करीब में सेटअप है बट हम नहीं करने वाले, इसको बंद करते हैं। अब चलिए इन दोनों सॉफ्टवेयर को खोल के भी दिखाते हैं। पहला जो आता है वह है हमारा टूर ब्राउजर, यहाँ पे स्टार्ट फॉर टूर,
यहाँ पे दो एक फोल्डर भी दिखेगा टूर प्राइवर का, लेकिन इसको भी आपको डिलीट नहीं करना, रहने देना। डिलीट कर देंगे तो सेटअप आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको डबल टैप किए, ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओपन इस तरह से कुछ आएगा। इस तरह का कुछ आएगा, तब देखिए आपको बताया था टेस्ट फॉर नेटवर्क सेटिंग में क्लिक कर देना। तो अब क्या होगा कि आपका आईपी चेंज कर, देखिए कंग्रेचुलेशन दिस ब्राउजर इज कॉन्फ़िगरेशन टू यूज टू। आपका देखिए आईपी जो होगा उसे चेंज करके योर आईपी एड्रेस अपीयर टू, आपका आईपी ए बना करके इस सर्वर के माध्यम से खुद मिल जाएगा। तो यानी कि आप किसी भी सर्वर आप ब्राउजर पर काम करेगा ऐसा नहीं है, आपको ओनली वन टोर पर ही काम करना है, और टोर का ही आईपी चेंज पे। अब यहाँ पे आप अपना सीपन के जो डिटेल डालिए और उसे लॉग इन कर लीजिए। 100% आपका काम करेगा, 101% करेगा, ना कि सवाल नहीं है, हम भी खुद इसे यूज करते हैं। चलिए बंद करते हैं इसको। आप दूसरी जो है यहाँ पे ओपेरा, चलिए ओपेरा को ओपन करते हैं। देखिए हमारे है ओपेरा, इसमें हम व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे मैसेंजर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब आप इस पे ओपन करिएगा तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक वीपीएन का ऑप्शन होगा, ठीक है, वीपीएन मेरा ऑन है, आपका ऑफ होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये आपका यहाँ पे वीपीएन का शो नहीं होता होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऊपर में ध्यान दीजिएगा, इधर ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, ठीक है, उधर आपको क्लिक करना है मेनू का ऊपर में, यहाँ पे देख रहे हैं ना ऊपर जैसा लोगो, यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स से आप सिंपली आप कंट्रोल पी दबाएगा तब भी आपको आ जाएगा सेटिंग्स का ऑप्शन। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, तो इधर आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ब्राउजर वाले ऑप्शन पर, ब्राउजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो देखिए यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन होगा, सिस्टम आपको वीपीएन यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इनेबल, आपका डिसेबल यहाँ पे होगा, आपको सिंपली इसे इनेबल कर देना है यूज प्रॉक्सी सेटिंग को, ठीक है, और आपका ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर देना, हो गया। तब आपके सामने यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन शो होने लगेगा। जब वीपीएन ऑप्शन दिखे आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वर्चुअल लोकेशन, आपको लोकेशन ले लेना है। आपको 4 कंट्री का लोकेशन बिल्कुल फ्री में वीपीएन देती है आपको, ऑप्टिक में 3 एशिया, यूरोप, अमेरिकन, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी यूरोप को यूज कर रहा हूँ, मेरा आईपी देखिए यहाँ पे चेंज करके उधर से मिला हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें अपना सीपैनल का डिटेल डाल देना है, सीपैनल डोमेन नेम सेलेक्ट सीपैनल करके इंटर करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। आप अपना आईडी पासवर्ड डाल करके सिंपली वहां से लॉग इन हो सकते हैं। अभी मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है बट फिर भी ओपन हो गया, तो इसमें बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आसान से यूज कर सकते हैं इनका, ठीक है, दोनों आपको अच्छा है सेटअप, ओपेरा भी सही है और आपका टूर भी सही है। तो आशा करते हैं आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल को भी दबा दे ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक याद दीजिए, बाय बाय।